ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਟਰਬਨ ਦਿੱਲੀ ਤੂੰ ਡਰਬਨ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਟਰ ਚਮਕੀਲੀ ਗੁਰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜਵਾਬੀ ਯਾਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਸੈਟਰ ਆਈ ਐਮ ਮਨਮੀਤ ਆਈ ਐਮ ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਦ ਮੀਟ ਬ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਸਿਨੇ ਸਪੀਕਸ ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਨੇ ਸਪੀਕਸ ਆਪ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਆ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਛੁਆ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਛੂਨੇ ਕਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ रियलिस्टिकली एक आई थिंक मिसगाइडेड टर्म है ट्रेंड सेटर्स कि जो भी आप नया फैशन आया उस वो पहन लो तो ट्रेंड सेटर हो जाते हो बट नहीं हमने इस गाने में बताया है कि आप जो एक्चुअली अंदर से हो अगर आप देसी हो तो वही आप ट्रेंड सेटर हो आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई और ब्रांड पहननी है सो हम लोग जैसे हैं हम वैसे ही हैं और यही ट्रेंड सेटर है यही हम एक नया कल्ट एक नया कल्चर लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में कि किसी चीज़ से डरो मत हिंदी अच्छी बोलते हो तो आप हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है करेक्ट है और ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है जो हम लोग को हमें शुरू से अपील नहीं करता था कि लोग लगता है कि जैसे कोई ये अच्छी ब्रांड ये पहन लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी ब्रांड ये नहीं मतलब ये हमारी खुद की कॉल होनी चाहिए कि ब्रांड हमारे ऊपर कौन सी आएगी और ब्रांड हमसे चलेगी हम ब्रांड से नहीं चलेंगे ये शुरू से हमारा एक मोटिव रहा है और शुरू से हमारा ये भी रहा है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं हम कुछ और बनने की कोशिश नहीं करते अगर हमें कुछ और बनना है तो उसकी तरफ मेहनत करते करते आप उस तरफ आप बढ़ सकते हैं आगे जैसे किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो ज़रूर उसकी मेहनत करके सीख सकता है लेकिन अभी जो आता है वो हम हैं उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट आवर सॉन्ग इज असी ट्रेंडसेटर मतलब जैसे हमारे स्टाइलिस्ट कई बार बोलते हैं अरे सर आप लोग म्यूजिशियंस हो आपको जैकेट्स पहननी चाहिए ट्रेंड सेटिंग है मैंने कहा भाई हम समर्स में वाइट टी शर्ट पहनेंगे और ये हमारे लिए ट्रेंड सेटिंग है जिसमें वी फील वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन आई थिंक ऑडियंस आजकल बहुत समझदार हो गई और समझ जाती है कि अगर आदमी को ट्रेंड सेटर समझना है तो उसका कॉन्फिडेंस उसकी बातें उसके म्यूजिक उसी से हम ट्रेंड सेटर बनेंगे हमें मतलब किसी और का स्टाइल कॉपी करके हम ट्रेंड सेटर नहीं बनना चाहते सो वी हैव दिस रैपर बोहेमिया सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम दैट वाज फर्स्ट कोलैबोरेशन सो वेरी वेरी नाइस ही इज सबसे ज्यादा जो हम किसी भी इंसान से रिलेट करते हैं सबसे जो यूनिक चीज़ है और सबसे रेयर चीज़ है जो दुनिया में मिलती नहीं है कि सक्सेस आने के बाद इंसान उसको कैसे हैंडल करता है सो हम दोनों को बचपन से हमारे पेरेंट्स ने प्यार से मार के हर तरीके से समझाया कि भैया आप ज़मीन से जुड़ के रहो और ऊपर वाले का हाथ सिर पे होता है तो चीज़ें अपने आप होती हैं आदमी को किसी भी बात का गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए वो गुरूर घमंड या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ एक भी चीज़ हमें बोहेमिया में भी नज़र नहीं आई बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है जबकि उनके इतने स्ट्रॉन्ग फैंस हैं जिन्होंने लोगों ने 10,000-15,000 लोगों ने टैटू करा रखे हैं उनके नाम के अपने हाथों पर इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग बड़ी रेयर होती है लेकिन उनकी बातों में उनके बिहेवियर में उनके साथ डीलिंग करने में वो चीज़ नज़र नहीं आई जिससे उनकी अपब्रिंगिंग उनका फैमिली कल्चर नज़र आता है इसलिए हमने उनके साथ रिलेट किया इसलिए एक गाना जो है जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि हमें लिमोजीन मैटर नहीं करती हमारा खेतों वाला ट्रक ही फट्टे चक देता है हमारी जो जुत्ती है वो एक शूज से बेटर लगती है वही एक थॉट प्रोसेस उनके अंदर भी हमको नज़र आया सो ये जो सॉन्ग है असी ट्रेंडसेटर इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला मतलब कॉन्सेप्ट या आइडिया ये हमारे कुमार पाजी जो है लिरिसिस्ट उनके साथ जब हम जैमिंग करते हैं तो आइडिया जो हमें जहाँ से हम चोरी करते हैं आइडिया वो है सरस्वती माँ वो हमें देती हैं ऊपर से और हम कॉफ़ी कर लेते हैं तो इट्स जस्ट नेचुरल फ्लो इट्स लाइक आदमी अगर पेंटिंग कर रहा है तो वो कैनवस पे शुरू करता है एक थॉट लेके और उस पर अपने आप अच्छी पेंटिंग होने लगती है तो कुमार पाजी के साथ हमारी एनर्जी ऐसी है कि पंजाबी और हम लोगों को कहीं ना कहीं जब हम लोग बैठते हैं तो अपने आइडियाज़ रैंडमली थ्रो करने लगते हैं उसमें से एक आइडिया अच्छा लगता है और उस पर हम कॉम्पोजिशन और लिरिक्स कम्प्लीट करते हैं सो इट्स अ नेचुरल गॉड्स ब्लेसिंग सो यू बोथ आर नोन फॉर सेल्फ टॉट लाइक आपने कभी किसी से म्यूजिक वगैरह सीखा नहीं जो है खुद से किया सो हाउ यू बोथ स्टार्टेड आई थिंक like I said just before this कि ये हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि हम लोग अपनी जर्नी कर रहे थे बॉम्बे में आके कोई गाइड नहीं था कोई करियर काउंसलर नहीं था और करते कराते ठोकर खाते हुए एक यू नो कहते हैं ना जंगल में अंधेरे में चल रहे हो एडवेंचर चल रहा है और एकदम से सामने एक लाइट आ जाती है ऊपर वाले की एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा दिस इज़ माई कॉलिंग तो जब हमारा बेबी डॉल फाइनली हमारे हाथ लगा हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई करा तब हमें समझ में आ गया अवार्ड अवार्ड मिल गया कि हाँ यार वी आर actually cut out for making music and being in the music industry okay
So questions to ho gaye, we'll have a fun, small fun segment. So it is like your favorites. So which is your favorite romantic song? My personal favorite romantic song is मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं 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 मेरा फेवरेट गाना है जरा जरा महकता है आज तो तेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में इनफैक्ट हमारा मुझे कैसे पता लगा जो गाना आया था वो क्योंकि हम दोनों के फेवरेट गाने रोमांटिक हैं हम लोग वी आर नोन फॉर पार्टी सॉन्ग्स बट अंदर से हम लोग कुछ और है दिखता कुछ और है और बिकता कुछ और है यू ऑल आर नोन फॉर लाइक पार्टी सॉन्ग सो कोई पार्टी फेवरेट सॉन्ग पार्टी फेवरेट सॉन्ग या अपना ना होते हुए हम दूसरों का गाना गा के बता देते हैं आपको जो फेवरेट है मेरा फेवरेट पार्टी सॉन्ग है यम्मा यम्मा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ कल आप कहाँ बहुत सारे गाने हैं जिसपे डांस करके बड़ा मज़ा आता है आई थिंक एक पंजाबी गाना है वो जब भी बजता है वो उस पर डांस हमेशा ऑटोमेटिकली मैं करने लगता हूँ इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग विच इज़ दिस वो ना कर मान रुपये वाला गुनगुन के ना लड़के ऊ आ लेट द म्यूजिक प्ले बहुत अच्छा गाना है वो ओके सॉन्ग विच इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट सॉन्ग विच इज़ वेरी क्लोज टू अ हार्ट वो आपने सुना भी नहीं होगा एक गाना है जो कि बचपन में बहुत गाता था मैं एक लाइन गा के सुना तो समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम हैं ये गाना किसी ने नहीं सुना ये सिर्फ हम लोग ने ही सुना है बचपन बहुत कम लोगों ने सुना है द सॉन्ग क्लोजेस्ट टू माय हार्ट इज वन ऑफ आवर ओन सॉन्ग एंड इट्स ऑलवेज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ आवर्स तुझ पे वही है साझेदारियाँ तुझसे वही है वो साझेदारियाँ तेरे बिन सांस लूँ तो जी न सकूँ अब तू ही बता मैं क्या मैं करूँ क्या करूँ क्या करूँ गर्ल आई नीड यू विद अरिजीत एंड रोज किला एंड खुशबू ग्रेवाल वाओ यू सिंग लाइक पार्टी सॉन्ग्स एंड दी योर फेवरेट सॉन्ग आर दी साइलेंट वन यस So, thank you so much. Yeah. Yeah. So any message for your fans? अब बस यही मैसेज है कि यू नो ऑल द व्यूअर्स शुड एक्चुअली वी आर ओपनिंग अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर आपके जो व्यूअर्स हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक हमने अपना म्यूजिक लेवल शुरू करा है MB म्यूजिक उस पर सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे अगर आपका टैलेंट है तो हम लोग न्यू टैलेंट के लिए MB म्यूजिक के नीचे एक सब्सिडरी म्यूजिक लेवल खोल रहे हैं धुन की जो कि राइजिंग स्टार्स के लिए है जो कि स्टार बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आइए और हमसे मिलिए जुड़िए एंड वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक दिस ईयर ऑन MB म्यूजिक एंड लॉट ऑफ रोमांटिक अगर आपको मुझे कैसे पता ना चला जैसे गाने पसंद आए हैं तो ऐसे बहुत सारे गाने आ रहे हैं पापोन का नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है और पार्टी सॉन्ग्स तो अभी ऐसी ट्रेंड सेटर चल ही रहा है सो पार्टी और रोमांस दोनों होता रहेगा MB म्यूजिक पे सो गाइस गो सब्सक्राइब एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वेलकम टू MB फैमिली कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच थैंक यू